हम इधर देखे, आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? पहाड़ियों में। पहाड़ियों में जा रहे हैं? आप वहाँ पे क्या करेंगे? खेलेंगे। क्या? खेलेंगे। खड़े होंगे और खेलेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे जनाब। तो पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और अभी हम लोग जा रहे हैं आज बारबेक्यू पार्टी करने के लिए माउंटेंस के ऊपर। तो बस अभी हम घर से निकले हैं। जो लोग खुशाब के रहने वाले हैं उनको तो अच्छी तरह से पता होगा कि नरवाड़ी कौन सी जगह है। तो हम लोग नरवाड़ी से थोड़ा सा आगे गए थे क्योंकि ईद का मौका है तो काफ़ी वहाँ पे जेंट्स वगैरह थे, तो इस वजह से हम लोग फिर वहाँ नहीं रुके थे। ये नरवाड़ी से हम लोग गुज़र रहे हैं और हम लोग यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाएँगे और काफ़ी ऊँचाई है जिस जगह पर हम लोग गए हैं। जी अभी हम आ गए हैं अपनी जगह पे जहाँ हम लोगों ने रुकना था और इस वक्त 5 बजे होंगे। और बाकी मसाला वगैरह गोश्त भी मैंने एक रात पहले लगा के रख लिया था, तिक्का मसाला, लहसुन, अदरक, थोड़ा सा नमक भी था और इसके अलावा गर्म मसाला जो था वो कूट के और वो मैंने मसाले पे लगा के उस पर गोश्त पे एक रात पहले रख दिया था। और बस अभी हम लोग 2 पोर्शन में डिवाइड हो गए थे, एक साइड पे हम लोग बारबेक्यू कर रहे थे और दूसरी साइड पे हम लेडीज़ ने लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी करके और फिर सोचा कि चलें पहले चाय बनाते हैं। तो एक साइड पे और बच्चे जो थे बस वो दोनों साइडों पे भाग रहे थे। माशाल्लाह व्यू इतना प्यारा था यहाँ के, आई कॉन्ट एक्सप्लेन, आप लोग खुद ही देख लें। इसलिए मैंने कोशिश भी की थी कि नेचुरली जो वॉइस आ रही थी वहाँ पर परिंदों की और मवेशियों की घंटियों की आवाज़ें आ रही थी तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैंने कोशिश की मैं वॉइस ओवर ना करूं और ज़्यादा आप लोग खुद सुन सके वहाँ की जो खूबसूरत सी आवाज़ें आ रही थी। जूम में फिर तस्वीर धुंधली हो जाती है ना। जी इधर चाय बन रही है और चाय लकड़ियों के ऊपर इतनी कोई मज़े की बनी थी कि आई कांट। अब उनको देख के आते हैं वो क्या कर रहे हैं। ये आंटी किस लिए है? कौन सा? वो वाले, वो भी इसी के लिए। तो उनके हैंडल? वो हैंडल के बगैर है। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ हमने आग जलाई थी चाय के लिए तो चाय बन गई है और बस अब बाकी बच्चों का काम स्टार्ट हो गया है। अब ये लोग लकड़ियाँ लेके और इकट्ठी करके और आग जलाने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। कुछ मवेशी हैं यहाँ पे और उनकी घंटियों की आवाज़ जहाँ सुनाई दे रही थी वो सामने है। मेहरबानी आ गए
इतना खूबसूरत ये नज़ारा और फिर साथ बारबेक्यू और साथ चाय, बहुत ही इंजॉय किया है हम लोगों ने। यहाँ पे कुछ सीखें जो हैं वो रखी हुई हैं और उसके अलावा बाकी के मसाला मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें हम लोगों ने ये लगा के सारा मैरिनेट करके रखा हुआ था और बहुत ही मज़े के ये बने हैं। तो नहीं है जाओ उठा लो, वहां से कैसे उठाएगा भैया, पीछे हटे बेटा, आगे नहीं जाना, भाई का भी ख्याल रखो, आराम आराम पीछे। यहाँ पे बस कुछ तो अब रेडी हो गई हैं और कुछ जो है अभी बस बन रही हैं और इसके अलावा बाकी ये कुछ के ऊपर से मैं बोटियां उतार के रखती जा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो गया है ख़त्म हम लोगों का और उसके बाद जहाँ से मैं आपको ऊंचाई दिखा रही हूँ कि बहुत ऊंचाई पे हम लोग बैठे हुए हैं, तो बस अब वापसी की तैयारी हो रही है। बच्चे तो सारे पीछे टिक्की में चढ़ गए हैं, यहीं बैठेंगे हम गाड़ी पे। इस वक्त 7:30 हुए और अब हम लोग वापस घर जा रहे हैं। तो जनाब हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय किया है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये आप खूबसूरत से व्यू देखें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।